जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जर्नल का एलजी के हाथों इफ्तिताह। कहा जम्मू कश्मीर में अब देखने को मिल रही है तब्दीली, करप्शन फ्री हो रहा है जम्मू कश्मीर, करप्ट ऑफिसर्स को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। आवाम से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए टैक्स अदा करने की अपील। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा हमने बरामद किया है 16,000 करोड़ रुपए का दिफाई सामान। इस किस्म के सिंपोजियम को वक्त की अहम जरूरत दिया करार। नॉटेक सिंपोजियम में एलजी ने की शिरकत। नॉटेक सिंपोजियम का जम्मू में इफ्तिताह। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार के हाथों इफ्तिताह। 180 सनती शराकतदारों ने किया है इंदिराज। टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार का बयान। कहा हिंदुस्तान की दिफाई बरामदात में हुआ है काफी इजाफा। टेक्नोलॉजी का माहौल दोस्त अंदाज में किया जाना चाहिए इस्तेमाल। पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। सिंपोजियम ज्यादा मौसर इंसदाद ड्रोन टेक्नोलॉजी में करेगा मदद। नॉटेक सिंपोजियम से नई इख्तरात में होगा मददगार साबित। मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के इम्कान से उठाया जाएगा फायदा। GOC शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। भारत दुनिया में अब डिफेंस टेक में मनवा रहा है अपना लोहा। नॉटेक सिंपोजियम में अपनी नौयत का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट उतारू। स्टील की गोली भी हेलमेट को नहीं पाएगी भेद। कैमरा नाइट विजन डिवाइस से भी हेलमेट को किया गया है लैस। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। सांबा के सरहदी इलाकों का करेंगे दौरा। दरियाए देवो पर BRO की जानिब से तैयार करदा पुल का करेंगे इफ्तिताह। सरहद पर सिक्योरिटी के पेश नजर पुल की है अहमियत। यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया सदर श्रीनिवास बीवी ने हुकूमत को तमाम मुहाजों पर दिया नाकाम करार। कहा नौजवान बेरोजगारी के संगीन मसले की वजह से है नाराज। हुकूमत के पास गरीबों के लिए नहीं है कोई एजेंडा। BJP को बनाया निशाना। कविंद्र गुप्ता पर बरसे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला। युवा राजपूत सभा के खिलाफ इल्जाम लगाने पर कविंद्र गुप्ता को बनाया तनकीद का निशाना। कहा झूठे इल्जाम लगाने पर कविंद्र गुप्ता के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। हाँ जी, वीरापट्टन श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर मिली थी मुश्तबा शे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाई थी मुश्तबा शे। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने बनाया नाकारा। शाहरा को ट्रैफिक और लोगों की नकलो हरकत के लिए किया गया बहाल। बारामूला पुलिस ने किया दहशतगर्दों की भर्ती के मॉड्यूल का पर्दाफाश। लश्कर-ए-तैयबा के 3 मामलीन गिरफ्तार। काबिल-ए-एतराज मवाद भी बरामद।